इंडिया का लोकल चाइनीज खाना वर्सेस एकदम ऑथेंटिक चाइनीज खाना, तो भाई हमारी लोकल स्ट्रीट कार्ट्स हर ऑथेंटिक डिश को एक इंडियन टच देती है जो हमारे टेस्ट बड्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट होता है। मैंने अपना ऑथेंटिक चाइनीज खाना बर्को से ऑर्डर किया था, जिसके हक्का नूडल्स 285 रुपीस के थे और स्प्रिंग रोल्स 355 रुपए के थे, और अपने लोकल हक्का नूडल्स और स्प्रिंग रोल्स दोनों ही 100 रुपए के थे। सबसे पहले अपने हक्का नूडल्स, आज तक मुझे हक्का नूडल्स और नॉर्मल चाउमिन में फर्क समझ नहीं आया। ये रही अपनी लोकल वाली हक्का नूडल्स, ये रही अपनी ऑथेंटिक हक्का नूडल्स। लोकल वाली हक्का नूडल्स स्पाइसी है, लेकिन इसका टेस्ट कमाल का है। दोनों की क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क है और ये स्पाइसी भी काफी कम है। इसके बाद स्प्रिंग रोल, ये रहे अपने लोकल वाले स्प्रिंग रोल्स और इनके साथ काफी सारे फ्राइड नूडल्स भी मिलते हैं। ये रहे अपने ऑथेंटिक स्प्रिंग रोल्स जिनके साथ ये दो सॉसेस मिली हैं। इनके अंदर की फिलिंग कमाल की है भाई। ये ऑथेंटिक वाले स्प्रिंग रोल्स भी बढ़िया हैं, लेकिन जिस हिसाब से इनका प्राइस है इनमें वो बात नहीं है। बेसिकली लोकल वाले स्प्रिंग रोल बेटर थे और ऑथेंटिक वाले हक्का नूडल।